हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे होंगे, चोर और सिपाही के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, तो आइए समझते हैं। ए टी एस डी का अगर देखा जाए, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का एक बेहतरीन पैटर्न है। आपने देखा होगा पिछले कई सालों से, चाहे आप एम टी एस का पेपर उठा के देख लीजिए, एम टी एस का, चाहे क्या सी एच एस एल का, और चाहे क्या सी जी एल प्री का, पिछला आप कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, आपको हर एक करीब करीब शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं जो हमने क्वेश्चन लिया है। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन क्या है, एम टी एस 2021 में आया हुआ है, तो इसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। जैसे आपका जो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कोई एक व्यक्ति है, S1 की स्पीड चलता है, और इधर ही दिशा में क्या करता है, एक कोई दूसरा व्यक्ति है, उसकी जो स्पीड क्या है, S2 है। तो जो आपके इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड S1 डिफरेंस कितना आ जाएगा, S2 आ जाएगा। इन दोनों की दिशा क्या है, सेम है। अगर इन दोनों की दिशा क्या हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट क्या है, अपोजिट हो, एक व्यक्ति इधर चल रहा है और एक व्यक्ति क्या करता है, इधर चलता है, इसकी स्पीड कितना S1 है, इसकी स्पीड कितना S2 है, तो जो आपकी आ जाएगी क्या, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगी, S1 प्लस कितना S2 आ जाएगी। बस आपको दो ही कॉन्सेप्ट याद करने हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक चोर पुलिस स्टेशन से सुबह 8 बजे से साइकिल पर 50 किलोमीटर की गति से भाग निकलता है। एक पुलिसकर्मी क्या करता है, 65 किलोमीटर की गति से 9:30 बजे मोटर बाइक पर चोर का पीछा करना शुरू करता है। थाने से कितनी दूरी पर पुलिस जो है चोर को दबोच लेगा। आइए समझते हैं। 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में कितने घंटे का आगा, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे में अगर देखा जाए, चोर जो है 50 की स्पीड से कितना दूरी तय करेगा, 75। 1.5 घंटे में अगर देखा जाए, आपका समय कितना, 1.5 घंटा है, स्पीड कितनी है, 50। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, कितना दूरी तय करेगा, 75। तो 75 दूरी तय करने के लिए अगर देखा जाए कितना समय लगेगा, अगर इसकी स्पीड कितनी है, 50 है, और इसकी कितनी है, 65 है, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। इन दोनों का आ जाएगा कितना, 15 का अंतर। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 घंटे आ जाएगा। तो बताइए 5 घंटे में पुलिस जो है कितना दूरी पे पकड़ेगा चोर को। तो 5 घंटे की, 5 घंटे में स्पीड कितनी है पुलिस की, 65 है। 65 की स्पीड से कितना दूरी चले, 5 6 30, 300 आपका 25 आ जाएगा। इतना दूरी पे देखा जाए चोर जो है, सॉरी पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, 325 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है, उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिस जो है 9 किलोमीटर गति से चलता है और चोर जो है 7 की गति से चलता है। कब तक पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा, ये भी देखिए आपके एमटीएस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दो सौ मीटर क्या है दूरी है, तो इन दोनों का क्या आ गए, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से आ जाएगी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है मिनट में, तो क्या करेंगे, इसको पहले आप सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, कितना आएगा, 5/18 से यहाँ से काटेंगे, आपका 0 होगा, कितना 18 × 2 = 36, 300 कितना 60 सेकंड आएगा। 360 सेकंड का मतलब कितना आ जाएगा,
6 मिनट आपका आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, एक बार इसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। एक चोर जो है सुबह 10 बजे क्या करता है, थाने से भाग जाता है और वह 40 किलोमीटर की गति से दौड़ता है। पुलिस वाला 11:30 बजे चोर को पीछा करना शुरू करता है। जहां से चोर हिरासत से भाग निकलता था, पुलिस की गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह किस समय चोर को पकड़ेगा? तो क्या आ गया यहां से? बताइए बजे से 11:30 बजे के बीच में कितने घंटे का है? 1.5 घंटे का है। 1.5 घंटे में अगर चोर देखा जाए 40 की स्पीड से, 40 की क्या है स्पीड से, कितना दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो 60 किलोमीटर दूरी जो तय किया है, उसके बाद क्या करता है? पुलिस भी क्या करता है? उसका पीछा करता है। तो बताइए 40 और 20 का जो अंतर कितने का आगा? 20 आगा। 60 की दूरी है, 20 की स्पीड से क्या कर रहे हैं? पीछा कर रहा है। तो कितना घंटे लगेगा? 3 घंटे लग जाएंगे। तो 11:30 बजे में आप 3 घंटे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, 2.5 बज जाएगा। तो 2.5 बजे क्या करेगा चोर, पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ये देखिए आपके सीएचएसएल के एग्जाम में आया था 2022 के, ये भी देखिए। एक चोर को एक पुलिस कर्मी 480 किलोमीटर की दूरी से क्या करता है? देखता है। पुलिस कर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी क्या करता है? भागने लगता है। जैसे समझिए यहाँ पे क्या है आपका? पुलिस है। यहाँ पे आपका क्या है? पुलिस है। और यहाँ पे आपका क्या है? चोर है। इन दोनों के जो बीच की जो दूरियां है कितनी है? 480 है। जो चोर देखा तो क्या किया? भागने लगा। और क्या किया चोर? उसका क्या करा पुलिस? जो उसका पीछा करने लगा। तो इन दोनों के बताइए इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? सीमित दिशा में चल रहे हैं ये, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो क्या होगी? इन दोनों का अंतर आ जाएगा। आपको क्या करना है? 480 क्या है आपकी दूरी है, तो इनकी आ जाएगी क्या रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 19 और कितना है? 30 है। इन दोनों का अंतर आपका कितना आएगा? 4। तो बताइए इनका कितना आएगा, समय कितना आ जाएगा? यहाँ से 120 आ जाएगा। 12 चौके कितना? 48। तो इनका समय जो आएगा 120 आ जाएगा। 120 आपका समय आ गया। आपसे पूछा क्या है? चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा? 120 मिनट में, 120 मिनट में अगर देखा जाए चोर की जो स्पीड कितनी यहाँ पे है? 19 है। तो इसमें क्या करेंगे? 19 से अगर गुणा करें तो आपकी उसकी दूरी पता चल जाएगी कितना आ जाएगा। 19 0 आ जाएगा यहाँ पे। 19 दूना 38, 19 91, 19, 19 3 कितना हो जाएगा आपका? 22 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो चोर है देखा जाए इतनी दूरी भाग चुका होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
इसको आप खुद से कर लीजिएगा, सेम वही लैंग्वेज यूज किया है ना। इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, वैसे देखा जाए पहला ऑप्शन आ जाएगा शायद। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। आपका कितना है, 225 कितनी है दूरी है। अब पुलिस कर्मी जो है पीछा करता है, उसके बाद क्या होती है, चोर की जो चाल कितनी है 11 किलोमीटर है, अब पुलिस कितनी है 2 किलोमीटर है। इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। रिलेटिव जो स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करें कितना का, 112 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, ये तो उनकी क्या आ जाएगी, समय आ गया। इतने समय में देखा जाए, इतने समय में आपसे पूछा है चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, इतने समय में चोर की स्पीड क्या होगी। चोर की स्पीड देखा जाए यहाँ पे कितनी है, 11 है। 11 की स्पीड से कितना आप दूरी तय करेगा चोर, तो 11 पच्चीस कितना हो जाएगा, 55। 11 दूना 22, 22 पाँच कितना, 27 हो जाएगा। आपका दसवें यहाँ पे गया, 2 हासिल 11 2 कितना होगा, 13 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दिख रहा आपको क्या, फिर आपका आगे 11 करना 11 11 1 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जो कि आपका क्या पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दोनों सवाल सेम ही था। ये देखिए आपके सामने सीजीएल 2022 के पेपर में आया हुआ था, जो आपका भी दिसंबर में पेपर हुआ है। तो क्या हो जाएगा, देखा जाए इनकी आपसे पूछा क्या है, आपसे कितना समय लगेगा, आपसे टाइम पूछा है। 97 मीटर की आपकी दूरी है, इनकी जो क्या है रिलेटिव स्पीड कितनी है, इसकी 21 है, इसकी कितनी है 23 है। तो उन दोनों का जो रिलेटिव कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 97 मीटर की दूरी है, 2 की स्पीड से क्या कर रहे हैं, इसको तय करना कितना लग जाएगा, देखा जाए यहाँ पे 48.5 आ जाएगा आपका, जो कि यहाँ पे क्या आपका लास्ट ऑप्शन डी है। मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन है, देखा जाए आपके पेपर में आया हुआ था। यहाँ पे देखिए इसके पहले आपने किया होगा, एमटीएस में पूछा हुआ था, सेम लैंग्वेज थी। आप देखा जाए बस डाटा क्या बदला हुआ है, 12:30 बजे देखा जाए एक बाइक चुरा लेता है चोर, 48 की गति से क्या करता है चलता है, आधे घंटे बाद चोरी का पता चलता है। बाइक मालिक जो है दूसरी बाइक पर 48 58 की गति से क्या करता है, पीछा करता है। तो बताइए चोर कब पकड़ा जाएगा, आपसे यह पूछा है। तो क्या होगा बताइए, 12:30 बजे, 12:30 बजे आपका देखा जाए, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे में आपका कितना बच जाएगा, आधे घंटे में 1 बच जाएगा। आधे घंटे में अगर देखा जाए, आधे घंटे में आपका 48 की स्पीड से कितनी दूरी तय करेगा, 24 दूरी तय करेगा, 24 दूरी आपका तय करेगा चोर। तो बताइए क्या करता है, उसके बाद जो है बाइक मालिक क्या करता है, पीछा करता 58 की स्पीड से। तो बताइए वहां से रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, चोर क्या करता 48 चलता है, और आपका बाइक मालिक क्या करता 58 चलता है। तो इन दोनों का आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो कितना समय लगेगा, यहाँ से देखा जाए 2 घंटा आपका 40 मिनट, 2 दशमलव कितना, 4 आपका समय लगेगा। 2 घंटे आपका इसमें, इसको सेकंड में बदलेंगे, इसको 4 को 10.4 को आप सेकंड में 60 से गुणा करेंगे, 6 6 को 24 होगा। 24 अगर देखा जाए यहाँ पर दिख रहा है आपको, 2 घंटे प्लस कितना 24 मिनट, तो कितना हो जाएगा देखा जाए, आप एक में जोड़ेंगे 2 घंटा कितना 24 मिनट जोड़ेंगे, तो आपका कितना होगा, 3 घंटे कितना होगा, मतलब 3:24 हो जाएगा आपका। तो 3:24 पे क्या करेगा, बाइक मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा।
एक कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा और बिल्ली जो है 10 किलोमीटर की गति से दौड़ती है और कुत्ता क्या करता है 24 किलोमीटर की गति से दौड़ता है। कुत्ता बिल्ली को कितने समय पकड़ लेगा? तो आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ देखा 200 आपका कितना है 80 मीटर दूरी है, बिल्ली कितनी है 10 किलोमीटर और कुत्ते कितनी 24 है, तो दोनों का अंतर कितना आ गया यहाँ से 14 आ जाएगा। आपसे पूछा है मिनट में, आप इसको क्या करें 5/18 से गुणा करके आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 14 दूना यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से काटें कितना आ जाएगा 5 × 20 और 18 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 72 सेकंड आ जाएगा। 72 सेकंड क्या होता है आपका इतना हो जाएगा 1 मिनट प्लस कितना आ जाएगा 12 सेकंड, आपका 1.2 मिनट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा, लगाने की कोशिश कीजिएगा, ये भी देखिए आपके पेपर में आया हुआ है और वीडियो को पूरा देखिएगा एक बार, खुद से कीजिएगा सॉल्व, अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही अपना आप क्या करें सोल्यूशन देखिए। बाकी फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।